अब्दुल करीम तेलगी और नार्को टेस्ट, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि मैं हिप्नोटाइज करता हूँ लोगों को, हिप्नोथेरेपी करता हूँ। हिप्नोटिज्म में, हिप्नोथेरेपी में, हिप्नोसिस में होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड जो आदमी का है वो बाजू हो जाता है, मतलब सस्पेंड हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कम्युनिकेशन में आ जाता है, उसको कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है वो बाहर निकल सकता है। अब ये हिप्नोथेरेपी करना है तो सबको हिप्नोथेरेपी पॉसिबल नहीं है, सबको कर नहीं सकते, सब हो नहीं सकते, तो फिर क्या ये हम कोई दवा देके कर सकते हैं? तो दवाई देके भी हिप्नोटिज्म हो सकता है, उसको बोलते हैं मेडिकल हिप्नोटिज्म या मेडिकल हिप्नोथेरेपी। और जो दवा देके वो व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं उसको बोलते हैं नार्को टेस्ट, नार्को एनालिसिस, नार्को थेरेपी। मतलब जब ये ट्रीटमेंट करके वापरे जाता है तो उसको नार्को थेरेपी करते हैं, नार्को एनालिसिस कहते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब कोई गुनाह हुआ है उसकी जांच पड़ताल के लिए जब किया जाता है तो उसको नार्को टेस्ट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सोडियम पेंटाथॉल नाम की दवाई दी जाती है इंट्रावेनसली, नस में उसको डायल्यूट करते हैं और धीरे 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 आदमी सोता है, उसको धीरे 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 पुश की जाती है। और ये जब पुश की जाती है तो आदमी ना सोया रहता है ना कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस सस्पेंड हो जाता है। कहते हैं हमारे सबकॉन्शियस को कॉन्शियस जो है वो इनहिबिट करता है, ये मत कर, वो मत कर, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ बाहर से, ये अच्छा नहीं दिखेगा, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये अब कॉन्शियस का जो इनहिबिशन है वो ही निकाल दिया तो सबकॉन्शियस में जो है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी सबकॉन्शियस उसको बोलने वाला कोई नहीं है, वो बाहर निकलेगा। तो एग्जैक्टली यही किया जाता है कि कॉन्शियस माइंड को सस्पेंड करना दवाई देके, सोडियम पेंटाथॉल देके, और सबकॉन्शियस में जो है बातें, जो थॉट्स है उसको बाहर लाना। अब उसमें आदमी जो भी बड़बड़ करेगा वो इन्वेस्टिगेशन में, जांच पड़ताल में काम में आता है, क्योंकि उसमें जो भी कुछ बोलेगा वो सत्य है ऐसा माना जाता है। पर एक्चुअली कोर्ट में यह ग्राह्य नहीं पकड़ा जाता, कोर्ट इसको मानती नहीं जो भी वो बोलता है, क्योंकि वो होश में नहीं है। तो अच्छा, ये किसके ऊपर कर सकते हैं? ये किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है, सिविल कोर्ट की परमिशन लेना या क्रिमिनल कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है जहाँ केस चल रही है। और जो व्यक्ति के ऊपर ये नार्को टेस्ट करना है उसकी भी परमिशन लेना जरूरी है, लिखित परमिशन कि वो तैयार है और इसमें वो जो भी होगा उसके लिए वो जिम्मेदार रहेगा। मगर ये एक्यूरेट नहीं है, और ये एविडेंस जो है जो भी बोलता है ये कोर्ट में ग्राह्य माना जाता नहीं है। अब्दुल करीम तेलगी का 30,000 करोड़ का स्टैम्प घोटाला हुआ, फ्रॉड किया, पकड़े गए। उसमें अलग अलग काफ़ी सारी कहानियां हैं, उसकी वेब सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं। ऐसा बोला गया कि उन्होंने पैरेलल स्टैम्प पेपर का प्रिंटिंग किया था जो बिल्कुल गवर्नमेंट जैसे ही था। कोई बोलते कि नहीं, जो गवर्नमेंट का प्रिंटिंग चालू था उसमें से उसने हेराफेरी करके कागज निकाल लिए, मतलब ऐसे काफ़ी सारा है। उसमें काफ़ी सारे लोग अंदर हो गए, काफ़ी सारे लोगों के ऊपर चार्जशीट दाखिल की गई। उसमें उन्होंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, जैसे कि शरद पवार, छगन भुजबल, इनके नाम अब्दुल करीम तेलगी ने नार्को टेस्ट में बोले, ये देखिएगा। मगर आगे चल के कुछ भी नहीं हुआ, आगे चल के ये पॉलिटिकल जो लोग थे उनके नाम कुछ सामने आए नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली पकड़े नहीं जाता है, ग्राह्य माना नहीं जाता है। और फिर उसने ये भी बोला कि भाई जो आरोप किए गए वो भी उसने पीछे लिए गए, ऐसा बोलते हैं। तो काफ़ी सारी उसमें मतलब स्मोक है, स्मोकी एरिया है, ये क्लियर नहीं है। मगर इतना ही है कि भाई नार्को टेस्ट की डिमांड करते हैं, मगर नार्को टेस्ट कितना सही है, कितना एक्यूरेट है, इसके बारे में डाउट है। तो ज़रूर ये आपको देखना है कि भाई यदि कोई ऐसा बोलता है, मेरे पास में ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं आप नार्को टेस्ट दे दो, जैसा हस्बैंड वाइफ आते हैं, वाइफ को लगता है कि भाई ये हस्बैंड जो है ना इसके कुछ ना कुछ बाहर संबंध है, और ये बोलता नहीं है, तो फिर वो बोलते कि भाई इसका टेस्ट करो। अब उनकी तो कोर्ट केस चल नहीं रही है, तो फिर हम वाइफ का भी कंसेंट लेते और उसके हस्बैंड का भी कंसेंट लेते कि वो तैयार है ये टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कोर्ट केस तो कोई चल नहीं रही है, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और वो फिर उसके कंसेंट से वो टेस्ट उसको दी जाती है, और उसमें जो भी बोलता है तो उनका समाधान हो जाता है, दोनों अच्छे रह सकते हैं। फिर मेरे पास में से बहुत बार आता है कि वाइफ के ऊपर हस्बैंड करता है डाउट, हस्बैंड के ऊपर वाइफ डाउट करती है, वो दोनों एक मांग करते हैं, दोनों तैयार है, और उसमें से जो भी निकलता है वो मानने को तैयार भी रहते हैं। तो ये नार्को टेस्ट, नार्को थेरेपी करके भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नार्को एनालिसिस करके भी होता है, उससे काफ़ी सारा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, ये पेंटाथॉल देके उसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में बात करते हैं, मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देते हैं, क्योंकि वो घबरा रहा है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उसको सूचनाएं देते हैं, तो उसका काफ़ी सारा फायदा बीमारियां ठीक करने के लिए होता है। तो एंग्जाइटी, न्यूरोसिस हो, डिप्रेशन हो या और कुछ हो, वो नार्कोथेरेपी से ठीक हो सकता है।
तो उसके लिए भी कंसेंट लेनी पड़ती है। आदमी ने कुछ खाना पीना नहीं करना चाहिए उसके पहले, वो टेस्ट करने के पहले भूखे पेट होना चाहिए कम से कम 3 घंटे, खाना तो 6 घंटे नहीं चलेगा। और उसको अस्थमा की शिकायत भी नहीं होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि ब्रोंकोस्पासम हो जाता है और पेशेंट सीरियस हो सकता है। तो ये आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू।